सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लोग मेरे से पूछ रहे थे कि उनको एक्ने की प्रॉब्लम है, उनके एक्ने के बहुत सारे मार्क हैं और अनइवन स्किन टोन, हाइपरपिगमेंटेशन है। सो गाइज, वीडियो के अंदर बने रहिए, मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, एक ऐसा क्रीम बताने वाला हूँ जिसको यूज कर सकते हैं आप अपनी डेली लाइफ के अंदर और अपने स्किन की प्रॉब्लम है उनके उनसे छुटकारा पा सकते हैं। सो ओके गाइज, आज मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ ट्रेटिनोइन क्रीम के बारे में, क्योंकि गाइज ये क्रीम मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड गाइज मेरे को इसके काफी अच्छे बेनिफिट मिले हैं। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने परसेंट ट्रेटिनोइन यूज करना चाहिए एंड गाइज इसको लगाने का प्रॉपर वे क्या है, कब लगाना चाहिए, कितनी डोज होती है और कब तक लगाना है और रिजल्ट कब तक मिलेगा। सो गाइज, ये रेटिनोन का 0.025% क्रीम। सो गाइज, अगर आप पहली बार इस क्रीम को यूज कर रहे हैं तो गाइज आपको 0.025% है ये आपके लिए सफिशियंट है। आप जैसे इसको कंटिन्यू यूज करोगे, उसके बाद आप जब आप इस क्रीम के यूज टू हो जाओगे तो गाइज उसके बाद आप 0.05% पे भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन गाइज स्टार्टिंग की कंडीशन में आपको यही क्रीम यूज करना है जो कि मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ। सो गाइज, ये 30 ग्राम्स का क्रीम है एंड मैंने इसको यहाँ की लोकल जो केमिस्ट शॉप है उससे बाय किया, जो कि मेरे को 159 अराउंड 160 रुपीज के अंदर मिल गया। आई थिंक प्राइस वाइज अगर देखें तो ये बहुत चीप प्रोडक्ट है, आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ के अंदर इसको इजिली इंक्लूड कर सकते हैं। सो ओके गाइज, मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ की केमिस्ट शॉप से बाय किया है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अपनी केमिस्ट शॉप पे मिल जाता है तो गाइज बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल पाया तो गाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज मैं ट्राई करूंगा जो सबसे बेस्ट बाय लिंक है जहाँ आपको और चीप प्राइस में मिल सके वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सो गाइज एक बार चेक जरूर कीजिए डिस्क्रिप्शन और जाके देखिए। सो ओके गाइज, अब बात करते हैं इसके यूजेस की, आपको ये कैसे यूज करना है। तो गाइज ये क्रीम आपको मेनली आपको नाइट के टाइम में यूज करना है, जब आप नाइट में सोने जा रहे हो तो उससे पहले अपने फेस को कोई भी मार ली फेस वॉश से उससे अच्छे से वॉश कीजिए। उसके बाद गाइज इस क्रीम का आप जो आपका अफेक्टेड एरिया जहाँ आपके एक्ने की प्रॉब्लम है वहाँ तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, जो बाकी एरिया बचता है वहाँ थोड़ा सा हाथों से मसाज करके और लगा सकते हैं। गाइज आप ट्राई कीजिए जो एक्ने वाला पार्ट है वहाँ पे मसाज मत कीजिए एंड गाइज आप वहाँ लगा के और ओवरनाइट रख सकते हैं, मॉर्निंग में उठ के अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए। एंड गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आप ये क्रीम लगाने के बाद धूप में जा रहे हैं या आपका वर्क सन के अंदर जाने का ज्यादा वर्क रहा है तो गाइज आप ट्राई कीजिए सन गार्ड लगाइए, अदरवाइज आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी मत यूज कीजिए क्योंकि गाइज इसका आपको स्किन के ऊपर इतने हार्श इतने हार्मफुल इफेक्ट दिखेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके जो एक्ने है वो बिल्कुल वर्स्ट हो जाएंगे। सो गाइज आप ट्राई कीजिए कि ये प्रोडक्ट लगाने के बाद सनगार्ड बिल्कुल लगाएं, आपके लिए कंपलसरी है सनगार्ड लगाना। एंड गाइज धूप से जितना हो सके बचें, बाहर निकले तो आप ट्राई कीजिए कि मुंह पे कोई कपड़ा या कोई क्लोथ लगा के आप बाहर जा सकते हैं। एंड गाइज आप ट्राई कीजिए कि धूप में जाने का आपको रहे ना। सो ओके गाइज, विजिबल रिजल्ट देखना है तो गाइज आपको ये प्रोडक्ट एटलीस्ट 3 मंथ तक कंटिन्यूसली यूज करना पड़ेगा, तो आपके एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो धीमे धीमे आपको रिड्यूस होते दिखेगी। सो गाइज अगर जैसे आप पहली बार इस प्रोडक्ट को अगर यूज कर रहे हैं तो गाइज आपकी स्किन पे जो एक्ने है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके नए एक्ने हो रहे हैं, आपके नए पिंपल्स हो रहे हैं, लेकिन गाइज आप वो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये क्या करता है आपकी स्किन के अंदर जो डीप के अंदर जो एक्ने हैं जो कि आपकी स्किन के ऊपर नहीं आ पाते हैं, सो गाइज ये क्या करता है उनको ऊज आउट करता है। तो गाइज वो एक बार आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन पे एक्ने या पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन गाइज आपको इसको क्या करना है कंटिन्यूअसली यूज करना है क्योंकि ये क्या करता है आपकी स्किन के अंदर जो एक्ने आपकी डीप स्किन के अंदर है उसको भी क्या करता है रिमूव करता है। तो एक बार ही आपके एक्ने खूब सारे होंगे उसके बाद आपकी स्किन धीमे धीमे क्या होगी इवन बर्न भी हो सकती है, धीमे धीमे बर्न होगी और उसके बाद जो आपकी डेड स्किन है वो सारी पील ऑफ होकर बिल्कुल उतर जाए। सो गाइज आप इस क्रीम का प्रैक्टिकली भी रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे आप इसको यूज कर रहे हैं 7 to 8 डे हो गए हैं, तो गाइज आप ट्राई कीजिए कि जो 8th डे है उस पे आप ये आप क्या करो कि अपने जब मॉर्निंग में उठ के आप अपने फेस को जैसे वॉश करो तो गाइज उसके ऊपर कुछ मत लगाओ, उसको थोड़ा सा ड्राई होने दो एंड गाइज ड्राई होने के बाद आप क्या करो कोई ब्लैक कलर का क्लोथ लेके अपने स्किन को अच्छे से रब करके साफ कीजिए। तो गाइज जब आप उस क्लोथ को देखोगे तो उसके ऊपर आपको बहुत सारे आपकी डेड स्किन दिखाई देगी, तो गाइज दैट मीन्स ये आपकी स्किन क्या कर रहा है पील ऑफ कर रहा है एंड गाइज जो आपकी स्किन के ऊपर जो खराब लेयर है जो आपकी स्किन की जो डेड लेयर है वो सारी को ये क्या करेगा पील ऑफ करके रिमूव करेगा और गाइज एक नई स्किन आएगी जो कि आपकी बिल्कुल हेल्दी और इवन होगी। सो गाइज इस क्रीम का जो मेन फंक्शन है वो आपकी स्किन को पील ऑफ करना है, तो ये क्या करता है आपकी स्किन को धीमे धीमे पील ऑफ करता रहेगा और आपकी नई स्किन को प्रोड्यूस करता रहेगा। इसलिए गाइज आप ट्राई कीजिए जब आप ये क्रीम लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा हेल्दी फूड खाएं क्योंकि आपकी स्किन है वो न्यू स्किन बनती है, न्यू स्किन रिपेयर होती है, तो गाइज उसके लिए न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए गाइज आप अपने थोड़ा सा जो फूड के डे टू डे लाइफ का जो फूड है उसमें थोड़ा सा आप चेंजेस कीजिए, उसमें थोड़े से नट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कीजिए। एंड गाइज बाकी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ अगर आपकी एक्ने की प्रॉब्लम है तो गाइज ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसको ओपन करके भी आपको बता देता हूँ एक बारी। सो गाइज ये मेरा आई थिंक मैं 2 या 3 ऐसे ट्यूब्स यूज कर चुका हूँ, ये है इसकी ट्यूब और इसके अंदर ये व्हाइट कलर का सॉल्यूशन आता है इसका, ये ऐसे व्हाइट कलर का सॉल्यूशन आता है। सो गाइज आपको ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा पी साइज लेके आप अपनी स्किन के ऊपर लगा के इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं।
सो ओके गाइज, अगर आपके स्क्रीन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो गाइज आप गाइज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और गाइज अगर कोई भी कोई अगर ये प्रोडक्ट यूज कर रहा है जिसको काफी अच्छा रिजल्ट मिला है तो गाइज वो जरूर जरूर एंड जरूर नीचे कमेंट लिख के मेरे को बताएं। और गाइज अपने बिफोर एंड आफ्टर का फोटो मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उसको अपनी स्टोरी पे लगाऊं और मैं लोगों को बताऊं कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है एंड गाइज आपको कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।